नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों इस वीडियो में मैं एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, जनरली क्या रहता है, अगर हम बात करते हैं जनरेशन की, तो वहाँ पर थ्री फेज सिस्टम को प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा मोटर में भी थ्री फेज मोटर जो रहती है इसको ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस रहते हैं थ्री फेज सिस्टम के ओवर सिंगल फेज सिस्टम। यहाँ पर एक और बात आपको नोट करनी है कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना कि थ्री फेज मोटर या फिर थ्री फेज जनरेटर की। इसमें मोटर, जनरेटर एज वेल एज पावर ट्रांसमिशन भी इंक्लूड हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है थ्री फेज मशीन्स में कि थ्री फेज जो मशीन्स रहती है ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है फॉर द सेम रेटिंग। अब देखिए, एक यहाँ पर मशीन वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है ये जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। तो एक मशीन अगर 5 KVA की है तो थ्री फेज सिस्टम में उसकी साइज स्मॉल रहेगी एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो देखिए ये है पहला एडवांटेज। सेकेंड जो एडवांटेज है ये है कि थ्री फेज मोटर्स जो रहती है, थ्री फेज मोटर्स रहती है ये बेसिकली, इसमें क्या रहता है तो यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर क्या रहेगा, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंपलर रहता है, इसकी साइज स्मॉल रहती है जो कि हमने अभी बात की थी, और इसी के साथ ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होती है। इसके लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो थ्री फेज मशीन्स रहती है ये लेस कॉस्टली रहेगी, क्योंकि इसके लिए मटेरियल कम लगता है, इसकी साइज भी स्मॉल रहती है, इसीलिए ये लेस कॉस्टली रहेगी और इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। अब देखिए जो नेक्स्ट एडवांटेज है ये है टू ट्रांसमिट अ स्पेसिफिक पावर ओवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस एट अ गिवन रेटेड वोल्टेज थ्री फेज सिस्टम नीड्स लेस कंडक्टर। अब देखिए, अगर मुझे ट्रांसमिट भी करना रहा पावर तो थ्री फेज सिस्टम में हमें कंडक्टर्स कम लगते हैं। देखिए अगर सपोज हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम है तो हर एक सिंगल फेज सिस्टम के लिए हमें एक फेज वायर लगता है, इसके अलावा एक न्यूट्रल वायर लगता है, एक फ्यूज, एक फेज कंडक्टर और दूसरा न्यूट्रल के लिए कंडक्टर लगेगा। और थ्री फेज सिस्टम में अगर मुझे थ्री फेज डायरेक्टली ट्रांसमिट करना है तो मुझे सिर्फ फेज की ज़रूरत रहती है, ना कि न्यूट्रल की। हाँ, अगर मुझे उसमें कन्वर्शन करना है तो फिर मैं न्यूट्रल वायर इस्तेमाल करके उसमें कन्वर्शन भी सिंगल फेज में कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लेस कंडक्टर लगेंगे। अगर लेस कंडक्टर लगते हैं तो श्योरली यहाँ पर जो खर्चा रहेगा वो भी कम रहता है। और जो थ्री फेज सिस्टम रहेगी इसका एक और एडवांटेज है कि ये ज़्यादा पावर भी ट्रांसमिट कर सकती है एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि हम थ्री फेज सप्लाई से हमें सिंगल फेज सप्लाई मिल सकता है। हम क्या करेंगे, एक फेज वायर के साथ एक न्यूट्रल वायर ऐड कर लेंगे और इस वजह से हमें सिंगल फेज सप्लाई मिल सकता है थ्री फेज सिस्टम से, अगर मुझे थ्री फेज मशीन को रन करना है तो। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है या फिर इतना इजी भी नहीं है। अ थ्री फेज मशीन कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन सिंगल फेज सप्लाई। देखिए, अगर मेरे पास थ्री फेज मोटर है तो मैं उसको सिंगल फेज सप्लाई पे शुरू नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर सिंगल फेज मोटर है तो उसको मैं थ्री फेज से शुरू कर सकता हूँ बाय कन्वर्टिंग ओनली सिंगल फेज, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है ये है, अ थ्री फेज सप्लाई कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेज सप्लाई व्हाइल कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नीडेड टू कन्वर्ट अ सिंगल फेज सप्लाई इनटू अ थ्री फेज सप्लाई। यही पॉइंट मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्शन करना है तो ये इजी है, लेकिन सिंगल फेज टू थ्री फेज करना है तो ये सिस्टम थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। If a fault occurs in a single phase line, the whole system will have to shut down. अगर सिंगल फेज सिस्टम है और उसमें अगर फॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन
अगर थ्री फेज सिस्टम है और उसमें कोई फॉल्ट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाकी के जो दो लो फेज वायर रहेंगे उसमें पावर सप्लाई शुरू रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यानी सिर्फ सिंगल फेज वाली लाइन ही वहाँ पर अफेक्ट होगी, बाकी दो फेजेस वहाँ पर शुरू रह सकते हैं सिंगल फेज में। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर सिंगल फेज है और उसमें सिंगल फेज में ही प्रॉब्लम आ गया तो सिस्टम बंद पड़ जाएगी। नेक्स्ट जो है यह है थ्री फेज मोटर्स के बारे में। थ्री फेज मोटर्स का जो टॉर्क है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, सिंगल फेज में जो टॉर्क रहता है ये थोड़ा सा पल्सेटिंग नेचर का रहता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पल्सेट करेगी सिंगल फेज मोटर। देन थ्री फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टेड, जो हमने प्रीवियसली भी बताया था कि थ्री फेज मोटर जो रहती है ये सेल्फ स्टार्टेड रहती है, इसलिए वो अपने आप शुरू होती है। उसे शुरू करने के लिए हमें एक्सटर्नल सर्किटरी की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो है थ्री फेज मोटर्स हैव बेटर पावर फैक्टर, इसमें बेटर पावर फैक्टर रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज मोटर। देन अब पॉलीफेज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर यानी फिर से जनरेटर, एक पॉलीफेज अल्टरनेटर जो रहता है वो हम उसको पैरेलली इजीली रन कर सकते हैं, उसको पेयर करके और फिर उसको पैरेलल ऑपरेशंस के लिए रन कर सकते हैं। सिंगल फेज में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसका जो टॉर्क रहता है ये पल्सेटिंग नेचर का रहता है। आखिरी वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रिपल के बारे में। तो अगर मुझे रिपल, रिपल यानी क्या रहता है, इट इज़ द एसी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन टू डीसी। अगर मेरा एक डीसी सप्लाई है तो डीसी की लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ हमारा आउटपुट इस तरह से पल्सेट होता है तो इसको हम रिपल कहते हैं। तो थ्री फेज सिस्टम में जो रिपल रहता है ये सिर्फ 4% रहता है, वाइल जो अपना सिंगल फेज सिस्टम रहेगा उसमें जो अगर हम डीसी कन्वर्ट करते हैं तो उसमें रिपल रहता है 48%, यानी नियरली हाफ सप्लाई जो रहता है कुछ इस तरह से ये पल्सेटिंग रहता है सिंगल फेज में। तो थ्री फेज में डीसी का कन्वर्शन भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू सिंगल फेज। तो ये सभी के सभी एडवांटेजेस है यहाँ पर थ्री फेज सिस्टम के ओवर सिंगल फेज सिस्टम, तो इसीलिए हम जनरली थ्री फेज सिस्टम को प्रीफर करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।